नमस्ते और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ तोरण बनाना। तोरण कैसे बनाए और वो भी मैं वेस्ट चीजों से बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने दो तीन चीजें और बनाई थी, लेकिन चक्कर ये था कि वीडियो काफी लंबी हो रही थी और कुछ लोग बोर हो जाते हैं ज्यादा लंबी वीडियो देख के। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में तोरण का डाल देती हूँ और आगे वाली वीडियो में, और जैसे कि दिया स्टैंड कैसे बनाए, दिए को कैसे डेकोरेट करें, उसके लिए मैं बनाऊंगी। तो जो मैंने तोरण बनाया है, ये मैंने बिल्कुल ही जो घर की हमारी वेस्ट चीज़ होती है जैसे प्लास्टिक बॉटल, उससे बनाया और बहुत इजी है। और इससे पहले ही मैंने दिवाली डेकोरेशन के लिए वीडियो बनाई, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। और मेरी दूसरी DIY वीडियो के लिए भी आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग किसी भी शुभ काम में आम के पत्तों को बहुत महत्व देते हैं। जैसे घर के बाहर तोरण अगर आम के पत्तों का हो तो उससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने लिया एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, और इस तरह की बॉटल जितना आपको लीफ बनाने उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बॉटल के बीच का पार्ट मैंने कट किया है ये इस तरीके से, ये सीजर से आप काट के बीच का पार्ट निकाल लेंगे बॉटल का, और उसके बाद इसको मैंने बीच से सीजर से फिर कट किया है। और जिस साइज़ का आम का लीफ होता है अराउंड उसी साइज़ का, जैसे आम का जो नया लीफ आता है उस तरीके से हमें बनाना है। तो मैंने इसको बीच से फोल्ड किया है। ये एक्चुअली मेरे पास ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, नहीं तो जैसे स्प्राइट की और सेवन अप वगैरह की जो ग्रीन कलर की बॉटल आती है, अगर आप उस तरह की बॉटल यूज़ करेंगे तो फिर आपको कलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऐसे डायरेक्ट बना के भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली वो एक ही बॉटल थी, तो इसलिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट बॉटल ली है। इस तरीके से मार्कर से निशान लगा के इसको हम कट कर लेंगे। ये हमको आम के पत्तों के जैसा बनाना है, ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। और बीच से हमने इसको फोल्ड जैसे किया है तो ये थोड़ा सा आम के पत्तों वाली लुक आ रही है। और उसके बाद जैसे हमने एक लीफ बना लिया तो उसी लीफ के हिसाब से आपको सारे लीफ आपको बनाने हैं। उसके लिए जैसे मैंने मार्कर से इसको ड्रॉ किया, जो लीफ हमने पहले बनाया है उसको उसके ऊपर रख के, और ज़रूरी नहीं है कि लीफ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो, जैसा आपका मन करे आप बना सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा क्योंकि ये बन के बहुत प्यारा लगता है। और सेम साइज़ हो लीफ का, इसीलिए जो हमने सबसे पहले लीफ काटा था उसी हिसाब से हम सबका वो करेंगे। अब उसके बाद जैसे ये लीफ है इसको हमने बीच से फोल्ड कर देना है इस तरीके से, जैसे पत्तों वाली लुक आ जाए ये इस तरीके से, और ये बहुत ही इजीली हो जाता है। ये बन गया। और इस तरीके का आपके जो गेट का साइज़ हो या जितने डिस्टेंस पे आपको लगाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर। और जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आपने ग्रीन कलर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यूज़ की है तो आपको कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फेविक्रिल का जो कलर है ये इसमें पर्ल फिनिश है थोड़ा सा, मतलब इसकी शाइन जो है ये मोती जैसी है, जैसे मोती के ऊपर थोड़ी अलग सी शाइन होती है, उस टाइप की शाइन है। और जो मैं कलर कर रही हूँ, जैसे अगर आपके पास कलर है तो अगर आप कलर करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा करना है, नीचे की तरफ, नीचे या ऊपर जिस तरफ भी करना है आपको स्ट्रेट करना है लंबाई में, जिससे कि थोड़ा सा पत्तों जैसा टेक्सचर लगे। ये अभी लाइट की वजह से थोड़ा ज़्यादा शाइन हो रहा है, वैसे थोड़ा ये डार्क ग्रीन है, और एक्चुअली मैंने बताया आपको ये पर्ल फिनिश है तो इसलिए थोड़ा अलग सा शाइन हो रहा है। उसके बाद मैंने इस तरीके का ये स्पार्कल ट्यूब आता है इसके साथ, इसमें मतलब स्पार्कल में गोंद डला होता है, तो ये ट्यूब यूज़ करना बहुत ईजी होता है। ये 5 to 10 रुपीज़ का आता है, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे या आर्ट एंड क्राफ्ट वाली शॉप पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो लीफ के अंदर की जो ये वेन्स वगैरह हैं ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है और ये देखने में बहुत ही प्यारा नेचुरल सा लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास जैसे ये सिल्क की लेस हो, ये भी बहुत महंगी नहीं आती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो जूट की रस्सी होती है वो भी यूज़ करेंगे तो वो भी नेचुरल लगेगा, जैसे आम के पत्तों को हम उससे बांधते हैं ना जूट की रस्सी से। नहीं तो घर में अगर आपके पास कोई कलरफुल कपड़ा हो जो आपको लगे कि इसके लायक है लगा सकते हैं। और पत्तियों का जो डायरेक्शन आपको रखना है इस तरीके से, इस तरीके से जैसे मैंने ये यहाँ तक लगाया, और ये यहाँ पे गोंद लगा के मैंने फेवी बॉन्ड यूज़ किया है। आप कोई भी हॉट ग्लू गन है तो वो यूज़ कर सकते हैं,
उसके ऊपर मैंने इसमें एक एक पर्ल लगाया है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई स्टोन लगा सकते हैं, नहीं तो जो चमकीली बिंदी होती है वो लगा सकते हैं, नहीं तो पर्ल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और आपको ये कितने डिस्टेंस पे रखना है ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने एक्चुअली मेन गेट के लिए बनाया है तो ये काफ़ी बड़ा है, और इसे मैं दिवाली के दिन लगाऊंगी मेन गेट पे बाहर। अभी आप इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल आम के पत्तों की तरह लग रहा है। और आप चाहें तो इस तरीके के बहुत सारे तोरण बना सकते हैं, और या तो इस तरह की तोरण बना के काफ़ी सारी लड़ियाँ भी लगा सकते हैं गेट के बाहर, बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है। और ऐसा तोरण जो बिल्कुल कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि नेचुरल आम के पत्ते लगाएंगे, रियल लगाएंगे तो वो तो सूख तो जाते ही हैं एक ना एक दिन। आई थिंक ये बहुत ही इजी और सिंपल था तरीका तोरण बनाने का, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूर बताएं आपने बनाया नहीं बनाया और कैसा बनाया। थैंक यू, बाय।